हरदा में लोकायुक्त ने जिला अस्पताल में महिला लिपिक को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला ने किसी और से नहीं बल्कि अस्पताल में पदस्थ सुपरवाइजर से ही रिश्वत ली थी। सुपरवाइजर सुरेंद्र चौधरी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि सीएमएचओ कार्यालय में स्थापना शाखा में पदस्थ लिपिक लक्ष्मी वर्मा समयमान वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रही है। सोमवार को लोकायुक्त ने महिला लिपिक को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सुपरवाइजर से भुगतान के बदले 2000 रुपए की रिश्वत की मांग महिला लिपिक ने की थी और उन्हीं के ऑफिस के सुपरवाइजर ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी, जिसके बाद महिला लिपिक को पकड़ लिया गया। स्थापना प्रभारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई क्योंकि है 2000 रुपए उससे मांग रही है। किस लिए मांग रही है? अपने से समयमान के फिक्सेशन के लिए रिश्वत देते हुए हम लोग बाहर खड़े थे, हमारी टीम बाहर थी और इसी कारण में हमको रिश्वत देते हुए कितने की रिश्वत 2000 रुपए। कितने लोग आए मैडम? ठीक, हम लोग टोटल 10 लोग हैं। मैं, मेरे साथ 3 निरीक्षक, 2 निरीक्षक और हैं और